बहुत ही अच्छा लगता है। नमस्कार दोस्तों, फिर एक नई वीडियो के साथ आए आज तो सुमन ब्लॉग में। यहाँ पे रश्मि आपको वीडियो दिखाएंगे। यहाँ पे सीताराम कुंड है और यहाँ पे जानकारी अर्जित करने के लिए इनसे पूछेंगे भाई साहब से। आइए चलते हैं यहाँ पे, जो यहाँ पे समोसे बनाते हैं। आपका नाम क्या सर? हमारा नाम राजा राव है। आप कहाँ से? जी, सीताराम कुंड के बारे में बताएंगे आप? जी बताइए, कुछ जानकारी बता दीजिए। सीताराम कुंड के विषय में ये है कि ये क्यों दादा बताएंगे, कह दादा जब फूले जब कुंड निकला है कैसे निकला है? पुले खातिर लगावा करा है, बर्मा डावा करा है। अच्छा, पानी पलान मार डाल दिया। औषधि है? हाँ। और कुछ जानकारी बता सकते हैं आप? बताओ जी, इसके बारे में कुछ बता दीजिए, सीताराम कुंड के बारे में। इसके एक नहाए प्रात हुई जात बढ़िया रोग दादू है, जैसे टीबी है वो है, रोज नहाने से पानी पीने से इसका जो है अच्छे अच्छे मर्ज ठीक होते हैं। जी, और इसका निर्माण कब हुआ ये बता सकते हैं? इसका 86 के पहले हुआ। जी, 1886। जी जी, 1800 लिखा है ना उसमें, 1800 लिखा है। अच्छा जी, 19 के पहले आए जुराहा। आप देख सकते हैं ये बता रहे हैं 1886 में हुआ है और इनके पहले का है, पहले का ही बता रहे हैं। और कुछ इनके बारे में कुछ बता सकते हैं सीताराम कुंड के बारे में? क्या पूछ, अमृत के समान है, अच्छे अच्छे रोग ठीक होते हैं। जी, और इधर हमारे मंदिर में एक राम जी महाराज है। जी, हनुमान जी का पुजारी है। यहाँ यात्री कहाँ कहाँ से दूर दूर से? बहुत दूर दूर से यहाँ अतर्रा से आते हैं, पानी ले जाते हैं, बहुत दूर दूर से आते हैं, बड़े बड़े पूरे से आते हैं लोग बाग, यहाँ दर्शन करते हैं, पालते हैं, पानी ले जाते हैं। चलिए, उसका वहाँ बनारस से उसका कॉन्टेक्ट है ना, इसका कभी बंद ही नहीं होता था, तो फ्लैश के जमाने से यह बंद हो गया है। अब बाकी वो तो महाराज दोस्तों इनसे पूछेंगे इनका नाम कैसे बता सकते हैं? जी जी, औषधि है पानी, इसके भी कैंसर इत्यादि रोग अच्छे होते हैं। और ये बड़ा है समय और यहाँ पे कई दिन सो रहा है हमने। और इसके बारे में कितने दूर से आते हैं? 50 किलोमीटर से 100 किलोमीटर से, जैसे आदमी पानी लेने आता है, लेकिन अब पानी हजार किलोमीटर से आता है, पानी पीते हैं, से इधर से स्नान करते हैं, दर्शन भी हैं, जो इधर नहाता है उससे जल भी इसका बहुत अच्छा जल इसमें होते हैं। और ये बता दीजिए कहाँ का ये बता सकता है? जहाँ का जो नाता है वही आता। बांदा जिले के अतर्रा नगर में एक छोटे से गांव में दुर्रा गांव पड़ता है और ये प्रवाहित होता है और यहां से निकलता है और ये काफी लोग रोग युक्त होते हैं और ये काफी दूर दूर से आते हैं, लोग कहना है तो यहां कानपुर दिल्ली से काफी दूर दूर से आते हैं। यहां पे अपनी हनुमान जी मंदिर भी स्थित पे साथ में चलते हैं। जी, आप कहाँ से हैं? और ये है क्योंकि यहाँ गर्मियों के मौसम में बहुत ही अच्छा लगता है। और ये जो पानी निकल रहा है देखिएगा, अंदर पानी गोला बना है, पानी चला जाता है, बहुत ही अच्छा शानदार है। और यहाँ गर्मियों के मौसम में बहुत ही मजा आता है में और पानी पीने में और तरह की में गाजर बनाना होता है, जन्म होते हैं। सीताराम कुंड पे यहाँ पे काफ़ी भजन कीर्तन होते हैं और यहाँ पे हनुमान जी के मंदिर स्थित है और यहाँ पे भजन कीर्तन दूर दूर से यहाँ पर आकर भजन कीर्तन करते हैं और यहाँ पे सड़े शाम से मनाते हैं हनुमान जी के मंदिर के स्थान पर। और चलिए कहते हैं हनुमान, यहाँ पे पंडित जी का अपना हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं और हम बड़े शौक से वीडियो बना रहे थे, तभी ने मुझसे किसी से पूछा कि यहाँ पे, किसी ने बताया कि यहाँ पे महाराज राम के विराजमान है और यहाँ पे काफ़ी जानकारी बताई की सीताराम कुंड के बारे में कि पानी इसका जो है निरोगी रहने के बाद पीने से खाने से रोग इसके नष्ट होते हैं।
कुछ इसके बारे में हुआ था इसका इसका निर्माण मशीन चली थी चलिए बढ़िया है। और ये हमने सीताराम उनके पास का मर्ज था जी, तो परेशान हो गए, नहीं ठीक नहीं चल के लेने से उन्होंने करवाया जो यहाँ का प्रधान भी कुछ किया लाख करके कुंड बनवा दी गई। बढ़िया है, तो कुंड है ये। चलिए फिर मिलते हैं वीडियो में। सही नहीं बढ़िया। मैं आप करेगा योगी पास पहुँच चाहे तो निर्माण आगे देखना सीन पर है और अपना जहाँ करे तो भगवान का सहयोग करके यहाँ तक कर दो है। भगवान जितना योग करो गलती आपका करेगा। अगर मेरी वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर